चलो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर वन जनरल अब ये वाला मैंने करवाया तुम्हारे साथ में नहीं करा ना जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ ठीक है ये तो मैंने ही बनाया है ये तो मैंने ही बनाया है तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए जल्दी से गलत आंसर टेक करो फटाफट चौदह लोगों ने सही आंसर दिया यार दैट्स ग्रेट मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौदह लोग पांच लोग अभी भी हैं जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मानते हैं उसमें से तुम भी एक हो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो देखते हैं भाई टॉप फाइव में कौन आया है टॉप फाइव में है अनमोल देन राजकुमार देवांग कुणाल और रोहित ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये वाला आसान पेपर है बहुत ही आसान है इफ एम एन एन आर स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस देन क्या होगा एम और एन दो पर्पेंडिकुलर लाइन के स्लोप है तो क्या होगा कंडीशन क्या होगी जल्दी से बताओ तो चौदह लोगों ने ये बताया कि M इन टू एन इक्वल टू माइनस वन और कुछ लोग सात लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं M इन टू एन इक्वल टू प्लस वन स्टेट लाइन सबको पढ़ाया था मैंने हो सकता तुमको में से किसी एक आदमी नहीं पढ़ा हो नए बच्चों में से Let's see, क्या स्कोर हुआ है तो स्कोर अभी है देवांग ऑन टॉप Then, राजकुमार अनमोल स्नेहा और ऋषिकेश ये दो लोग टॉप फाइव में नए एंटर हुए हैं क्लोज कंपटीशन चल रहा है अभी भी राजकुमार और अनमोल के बीच में नेक्स्ट लाइन पैरल टू एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज वॉट जल्दी से ऑप्शन देखो जल्दी से ऑप्शन देखो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं जल्दी से देखो और तीन सेकेंड है फटाफट तबाश लोगों ने फर्स्ट वाला डाल रखा है अब पैरेलल का मतलब सेम स्लोप तो सेम स्लोप क्या बताता है जब एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बीवाई प्लस इक्वल टू जीरो पे तो यहाँ पे भाई देवांग अभी भी टॉप पे है और बढ़िया कॉम्पिटिशन चल रहा है अब ऋषिकेश और राजकुमार के बीच में वंदन और साहिल की एंट्री हो गई है यहाँ पे कुणाल जो कि अभी जस्ट अंडे से निकला है वो चार प्लेस ऊपर गया है नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बाई सेक्टर्स टू इंटरसेक्टिंग आर देखो क्या होता है कंडीशन ah, जी पेंडिकुलर होती है एंगल बाय सेक्टर्स मैंने पढ़ाया था तब बोला था कि एंगल बायसेक्टर्स हमेशा पर्पेंडिकुलर होती है और कोई पैरल तो नहीं लिख रहा छह लोगों ने पैरल बना दिया दो लाइन ऐसे कट कर रही है उनकी एंगल वाई ऐसे जा रही होगी पैरेलल कैसे हो सकती है यार चलो देखते हैं देवांग ऑन टॉप ऋषिकेश ऑन सेकेंड राजकुमार थर्ड पे है साहिल सिद्दीकी आ गया है फोर्थ पे और दर्पण की एंट्री हुई है टॉप फाइव में अमन इज द हाईएस्ट क्लाइंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन If A B C are three collinear points, then the area of triangle ABC is non-zero. Is this true or false? वो area, area R लिखा था area area of triangle is uh, A B is non-zero. True or false? False है. Area of triangle zero होता है non-zero नहीं होता. Area of triangle क्या हो जाता है zero हो जाता है. ठीक है. बहुत लोग इसमें confused हुए होंगे. नौ लोग इसमें confused हो गए. उनको लग रहा है कि area of triangle non-zero होगा. Let's see. साहिल सिद्धिकी इज ऑन सेकंड नंबर तो नहीं मार रहा ना पता है ना पक्का तुझे देवांग स्टिल ऑन टॉप साहिल ऋषिकेश का क्लोज कंपटीशन हो गया है अब और राजकुमार और रोहित का बहुत बढ़िया कंपटीशन और साहिल के बैक टू बैक पांच आंसर करेक्ट है That's good. हो चुके हैं पांच क्वेश्चन बचे हैं अभी ठीक है तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

तो आप क्या देखना है चलते हैं पार्लोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस इज इट ट्रू और फॉल्स पार्लोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस इज इट ट्रू और फॉल्स ये भाई ट्रू नहीं है गलत है ये गलत जवाब रोम्बस इज द स्पेशल केस ऑफ पार्लोग्राम सारे पार्लोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं सारे रोमबस पैरलोग्राम होते हैं तो देखिए कौन है सात लोग दर्पण आ गया है टॉप थ्री में बाकी तो ठीक है बाकी सब लोग वही हैं। राजेश पांच प्लेस ऊपर गया है राजेश तेरा नंबर कहां पे अभी मतलब तू क्या पीछे ही था सबसे इफ इक्वल देन स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट क्लास में कराया था एक लाइन है जो दोनों एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है उस लाइन का स्लोप क्या होगा मैंने क्लास में करवाया था फटाफट बताओ बताया तूने सही बताया तूने माइनस वन इज द करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन में नहीं था तो आंसर होगा नन ऑफ दीज याद आ रहा है कुछ ये वाई एक्सएस ये एक्स एक्सएस इक्वल इंटरसेप्ट यहां से जाएगी लाइन 135 डिग्री का एंगल बनेगा चलो देखते हैं दो लोगों ने क्या किया देवांग नहीं, राजकुमार टॉप फाइव में राजकुमार की एंट्री हुई है अभी फिर से आठ क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है इफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज एक्ट देन इट्स स्लोप विल बी पॉजिटिव इज इट ट्रू और फॉल्स अगर लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जल्दी से बताओ ये सच है या झूठ ये सच है अठारह लोगों ने सही आंसर दिया आई एम वेरी हैप्पी पर इन तीन लोगों के लिए मुझे काफी काफी ज्यादा दुख है भाई आगे नहीं डबल मारकर मैंने इसमें कोई भी नहीं डाला है ओहो शकल ही बदल गई भाई यहाँ पे तो साहिल तू तो उन्हीं तीन लोगों में से एक है राजकुमार ऋषिकेश रोहित अमन भाई केवल देवांग को छोड़ करके बाकी सबकी शक्ल ही बदल गई यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं टॉप थ्री कौन है देवांग राजकुमार ऋषिकेश अब देखना है कि यही वाले टॉप थ्री में रहते हैं और कोई और बाहर आते हैं चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो बाय अ सर्कल ऑन दस इज अगर वो एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो सर्कल का जो इंटरसेप्ट बनता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये बताना है। उम्मीद है कि कोई बता तो नहीं पाएगा ये। पॉजिटिव होता है यार वैसे। सबने ठोक दिया है इसमें। थर्ड पे कौन कौन आया भाई थर्ड पे रोहित है सेकंड पे ऋषिकेश आ गया है और टॉप पे कौन है अभी टॉप पे आ गया है फोर्थ और फिफ्थ